नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे उस वायरल वीडियो के बारे में जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन की हार के बाद तेजस्वी यादव ने जीत की खुशी में बनाए गए मिठाइयों को फेंकवा दिया। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम और फोटो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम के बाद एक फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि राजद और महागठबंधन के हार के बाद बनी मिठाइयों को फेंकनी पड़ी। आपको बता दें कि 7 नवंबर को बिहार में अंतिम चरण का मतदान समाप्त हो गया था। उसी दिन जारी हुए एग्जिट पोल में लगभग सभी मीडिया ने यह दावा किया था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 10 नवंबर को जब चुनाव परिणाम सामने आए तो उसमें एनडीए की जीत हुई और महागठबंधन की हार हुई। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के खाते में जहां 110 सीटें गई तो वहीं एनडीए के खाते में 125 सीटें गईं। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राजद सामने आई और उसने 75 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी को 74 सीटें मिली। जदयू तीसरे नंबर पर रही और इसे मात्र 43 सीटें मिल सकी। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर को देखा जाए तो कुछ लोग मिठाइयों से भरे टब और दूसरे बर्तन को गड्ढे में डाल रहे हैं। एक तस्वीर में यह भी देखा जा रहा है कि खाने पीने का काफी सामान फेंका जा रहा है। जब इस बात की असलियत चेक की गई तो पाया गया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वायरल हो रहा यह पोस्ट गलत और भ्रामक है। इस फोटो को गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। यह फोटो हरियाणा और मध्य प्रदेश की है। आइए अब जान लेते हैं इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। जो तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर वायरल की जा रही है यह तस्वीर हरियाणा और मध्य प्रदेश की है। ये तस्वीर तब की है जब सरकारी अधिकारियों ने एक दुकान में छापे के दौरान खराब हुई मिठाइयों को एक गड्ढे में डंप किया था। बता दें कि वायरल हो रही पहली तस्वीर से जुड़ी जानकारी को जब इंटरनेट पर सर्च किया गया तो पता चला कि अमर उजाला द्वारा 10 नवंबर को यह खबर प्रकाशित किया गया था। उस खबर की माने तो मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ हरियाणा के सिरसा शहर में लगभग 10 क्विंटल खारा मिठाइयां बरामद की। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे डंप करने के लिए मजबूर किया। इसके साथ ही यह खबर दैनिक भास्कर में भी खराब मिठाई के टाइटल के साथ प्रकाशित की गई थी। वहीं YouTube पर भी इसका एक वीडियो मिला जिसमें सिरसा लोकेशन के साथ अपलोड किया गया था। इससे यह पुष्टि होती है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह तस्वीर पूरी तरह से गलत है। इस तस्वीर का बिहार विधानसभा चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर गलत दावे के साथ पोस्ट किया जा रहा है। ऐसे ही ताजा तरीन वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।